हाँ, मेरा नाम है अखिल भारतीय भूमि महासंघ के कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और संयुक्त मोर्चा के तत्वधान में रजक समाज अधिकार यात्रा में सम्मिलित भोपाल में होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर, आप ग्वालियर से आए हैं, आपके साथ में कितने और पदाधिकारी हैं? मेरे साथ में 200 से 300 पदाधिकारी ग्वालियर ग्वालियर चंबल संभाग से आए। सर, आगे क्या करना चाहते हैं आप? यदि विधिवत हमारी बात को वर्तमान सरकार ने नहीं माना तो आगामी समय में हम एक संयुक्त रूप से बैठक रखेंगे, उसमें जो भी निर्णय होगा हमारे संयुक्त मोर्चा के तत्वधान में वह निर्णय लेंगे। सरकार के विरोध में जाएंगे या सरकार के साथ में रहेंगे, ये मेरा नहीं, हमारे सभी वरिष्ठ जनों के साथ में बैठक में। क्या प्रमुख मांग रहेगी आपकी? प्रमुख मांग ये है कि देश के अंदर एक विधान दो संविधान है। मध्य प्रदेश में, समूचे मध्य प्रदेश में हम 3 जिले में अनुसूचित जाति में आते हैं, अन्य जिलों में हम लोग अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। तो मेरा तो सिर्फ सरकार से सीधा सीधा यही मांग है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में रजक समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए, यही हमारी दृढ़ मांग है। और खनाए कुमार बुनकर चढ़ाए खटखटी कोई ये लोग हम सब लोग हजन मचा दिए और हमको लोग तो हमारे चाचा ने हमको आज लगा के मरेंगे हम। सर, नाम बताइए पहले तो। कैलाश कनौजिया, अखिल भारतीय धोबी महासंघ, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, कितने जनप्रतिनिधि आज रैली में सम्मिलित हुए हैं? आज की रैली के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्य जो हमारे 6 संगठन हैं उन सब ने मिलकर एक जो संगठन तैयार किया है वह है संयुक्त मोर्चा, जिसका कि नेतृत्व कर रहे हैं हमारे संयोजक के रूप में गोवर्धन जी धारवा, ओपी बात्री जी, बाकी सभी संगठन उनके साथ में चरणबद्ध हैं। और हमारी जो मध्य प्रदेश के अंदर एक सूत्री मांग है कि किसी भी रूप में हमारी समाज की जो सबसे बड़ी विपता है, एक प्रकार से जो हमारी एक सूत्री मांग है कि हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। विगत 30 साल से 40 साल से हम लोग इसलिए संघर्षरत हैं, जो कि अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। किसी भी पार्टी ने हमें सहयोग ना करते हुए आज तक हमें यहाँ तक खड़ा कर रखा। सर, आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, वाल्मीकि जयंती है, ईद मिलादीन का त्यौहार है, गुरु पूर्णिमा पर्व भी है, ऐसे माहौल में आपने ये बड़ी रैली का आयोजन किस आधार पे? आपने गुरु पूर्णिमा का नाम दिया है तो गुरु पूर्णिमा से सीधे सीधे साबित होता है कि हम भी किसी गुरु के शिष्य हैं, हम भी गाडगे जी महाराज के शिष्य हैं और हम उनकी जितनी पूजा अर्चना करते हैं उतना ही हमारे आंदोलन का आज के दिन हमें मुख्य साधन मिला। क्या क्या मांग है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान? सिर्फ एक सूत्री मांग है, धोबी समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। जो हमारे साथ दो प्रकार की राजनीति की जा रही है, सीहोर रायसेन भोपाल में हमें अनुसूचित जाति में रखा गया है, बाकी प्रदेश के अन्य 49 जिलों के अंदर हमें जो छोड़ा गया, हम चाहते हैं किसी भी रूप में हमें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।